हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशीज फूड वर्ल्ड। तो आज हम बनाएंगे सेसमे कॉर्न टोस्ट। तो हम शुरुआत कर लेते हैं सेसमे कॉर्न टोस्ट बनाने की। ये मैं बता दूं, सेसमे कॉर्न टोस्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, मैंने ब्रेड स्लाइसेस को लिया हुआ है और मैंने इसको गोल शेप में काट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे एक बोल मैंने बॉइल्ड आलू लिया है। ये एक चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैंने 2-3 चम्मच पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए, एक छोटी शिमला मिर्च मैंने काट ली है, हाफ बोल शिमला मिर्च है ये। रेड चिली पाउडर, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। हाफ बोल प्याज को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हाफ बोल यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। और ये है आपका चाट मसाला एंड सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स को मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट नहीं किया है, ये सेसमे सीड्स आपकी ऐसे ही जाती है। तो अब हम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च डाल लिया, मनियन डालेंगे, कॉर्न डालेंगे, चाट मसाला डाल दिया, हाफ स्पून यहाँ पे हम सॉल्ट डाल देंगे, 1 स्पून हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये आपके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एक स्पून यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है। और मुश्किल से हाफ स्पून आपका यहाँ पे सोया सॉस आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर मिल गया है। अब हम एक स्लाइस ब्रेड ले रहे हैं। ब्रेड में हम ये मिक्सचर लगा देंगे। इसको हम अच्छे से सारे कॉर्नर्स तक में स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ये कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और फिर ऊपर से हम ये सेसमे सीड्स, सफेद तिल ऐड करेंगे। इसको हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे कॉर्न टोस्ट को अपने रेडी कर लेंगे। तो हम रेडी कर लेते हैं सारे कॉर्न टोस्ट को। ये देखिए, इतना बना के हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको तवे पे सेक लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पैन में मैंने हल्के सा रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। एक एक करके हम इसको रख लेंगे। एक तरफ से करीब हम 5 मिनट इसको पकाएंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर यहाँ पे फिर हम उसको पलट देंगे। तो ये देखिए, करीब 5 मिनट हो गया। मैं ऊपर हल्का हम रिफाइंड ऐड कर लेते हैं।
अब हम इसको धीरे धीरे करके सारे देखिए, अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से हमारा हो गया ये। उसको ढक के हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे और फिर हम सर्व कर लेंगे। अब देखिए 5 मिनट हो गया, हम इसको पलट के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये बन के रेडी है। तो हम सारा ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सेसमे कॉर्न टोस्ट बन के रेडी हो गया है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे से भी। ये देखिए और ये देखिए, देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।